हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिस्ट्री एच में। आज हम बात करेंगे कि क्या भारत चीन के सामने झुक गया है, क्या भारत ने डोकलाम छोड़ने का इरादा कर लिया है। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की चीनी यात्रा पर गए हुए हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद से नरेंद्र मोदी की यह 4थी चीनी यात्रा है, लेकिन इससे पहले दोनों नेता कभी भी ऐसी अनौपचारिक शिखर वार्ता के लिए नहीं मिले हैं। पीएम मोदी ने कहा कि ऐसी अनौपचारिक मुलाकातें होती रहनी चाहिए। साथ ही उन्होंने शी जिनपिंग को अगले साल भारत आने का न्योता भी दिया। समाचार एजेंसी के मुताबिक मोदी ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि ऐसी अनौपचारिक मुलाकातें दोनों देशों के बीच परंपरागत बन जाने चाहिए। मुझे खुशी होगी कि 2019 में चीन के प्रधानमंत्री भारत आए। मोदी ने शी जिनपिंग को गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए धन्यवाद भी दिया। डीडी न्यूज़ के मुताबिक मोदी ने कहा कि भारत और चीन की अर्थव्यवस्था दुनिया के बाकी देशों के लिए काफ़ी अहम है और दोनों देश दुनिया में शांति कायम करने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि इन तमाम दौरों के बाद भी बीते साल दोनों देशों के संबंधों में काफ़ी खटास देखने को मिली है। चीन ने न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में भारत के दाखिल होने का विरोध किया है। जैसे मोहम्मद के नेता मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र के जरिए आतंकवादी घोषित कराने की भारत की कोशिश को भी चीन ने वीटो किया था। भूटान सीमा पर डोकलाम में दोनों देशों के बीच करीब 73 दिन तक तनातनी की स्थिति बनी रही थी। भारत और चीन की गिनती एशिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में होती है। भारत चीन की महत्वाकांक्षी वन बेल्ट वन रोड परियोजना का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसके बाद भी दोनों देशों के बीच व्यापारिक क्षेत्र में काफ़ी संभावनाएं बढ़ी है। लेकिन हम आपको यह कहना चाह रहे हैं कि क्या भारत ने अपने आप को चीन के सामने मजबूत स्थिति में लाया है या नहीं लाया, ये तो खैर सरकारी एजेंसियां ही बता सकती है। लेकिन भारत की स्थिति देख के हमें ऐसी शंका हो रही है कि शायद भारत चीन के सामने झुक गया है और उसने डोकलाम देने की संभावना भी जता दी है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट्स करके बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद दोस्तों।